महाराज रुकिए, महाराज हमारी बात तो सुनिए। महाराज हम सच कह रहे हैं। महाराज नहीं, ये सच नहीं है। महाराज हम पर विश्वास कीजिए। महाराज ये झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। झांसी का उत्तराधिकारी अभी भी हमारे पास है, हमारे साथ है। महाराज हम स्वस्थ है। महाराज आप हमारा विश्वास कीजिए। महाराज आप भी कुछ बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? महाराज यही हाथी जन्माए आपको, जो कुछ हुआ उन्हें महारानी जी का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। महाराज हम पर विश्वास कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए। महाराज 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 हम पर विश्वास कीजिए। महाराज पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। बाबा भी मारना चाहती है। नहीं बाबा नहीं, हमने अपना लाल खोया है। कौन सा पाप किया था हमने? समय भाव और कर्मा को बचाने ही तो गए थे ना, उसके लिए इतना बड़ा था। इसलिए दंड मिला है क्योंकि तुमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। नहीं बाबा नहीं, हमने उनका विश्वास नहीं तोड़ा,
हमने तो बस उनके नाम पर लगे कलंक को मिटाने की चेष्टा की थी। उनकी पत्नी होने के साथ साथ हम रानी भी हैं। तो क्या ये हमारा धर्म नहीं है बाबा? नहीं मनु, पत्नी और रानी, इन दोनों रूपों में तुमने उन्हें निराश किया। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम और स्नेह का समुद्र देखा, परंतु तुमने राजकीय और पारिवारिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। नहीं बाबा नहीं, हमने वही किया जो हमें उचित लगा। हम नहीं जानते वो राजा के रूप में और पति के रूप में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, परंतु हम माँ के रूप में बच्चे का महत्व जानते हैं बाबा। और आप हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं लगा रहा हूँ मैं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए हमें। महाराज कुछ तो बोलिए महाराज, आपकी ये चुप्पी हमसे सहन नहीं होती। गलती हमारी थी, हमें दंड दीजिए, परंतु आप कुछ तो बोलिए। हम इसे योग्य हैं महाराज, कुछ तो बोलिए महाराज। इस समय हमें आपके प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है महाराज। सब झूठ है। आप कभी हमारे प्रेम को समझ ही नहीं पाए, बस उत्साह में चली गई। आप ये भी नहीं समझ पाई कि आपकी जरा सी असावधानी से झांसी का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा। आपको तीर तलवार चाहिए, अंग्रेजों से युद्ध चाहिए। बनने की अभिलाषा आप में कभी थी नहीं महाराज। यही सत्य है। यदि आपके व्यक्तित्व में मां की ममता की जरा भी झलक होती तो आज झांसी को यह दिन नहीं देखना पड़ता। लक्ष्मी बाई, किसी एक को चुनना होगा। पर यह आपके पास अंतिम अवसर है, या आप रानी और क्रांतिकारी बनकर रहो, या हमारे बच्चे की मां और हमारी पत्नी। बस महाराज, और मत पीछे। गलती हमारी है तो दंड स्वयं को क्यों दे रहे हैं? मां बनने की अभिलाषा और ममता एक दूसरे के पूरक है महाराज। हम उसे अपने प्राणों से अधिक चाहते थे। आपने केवल स्वयं को महत्व दिया, स्वयं की आकांक्षाओं को महत्व दिया। नहीं, यदि बच्चे के बारे में जरा भी ध्यान दिया होता तो कि ये दुर्दशा नहीं होती। खैर, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। यदि संतति उत्पन्न होती तो उसे भी आप अपनी तरह स्वार्थी बनते। आप में ना एक पत्नी की छवि है और ना ही एक बाप। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।